अपनों में हैं पर अपनों में नहीं, आउट ऑफ फैमिली। अपने से ज़्यादा ना गैर होते हैं। मतलब कि आपकी राय है कि अपने जो हैं वो अच्छे नहीं होते? अपने अच्छे होते हैं पर इतने भी अच्छे नहीं होते। अपने अच्छे होते पर इतने भी अच्छे नहीं होते। तो अब आपके कंसेंट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। फिर भी आपको क्या लगता है कि अपनों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो मतलब डिपेंड करता है, कुछ अच्छे अपने अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ गैर अच्छे होते हैं, अपनों से बेहतर गैर होते हैं। तो आप अपनों में करना चाहेंगी या गैरों में? जहाँ मामा कहेंगे। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अक्सर राय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शादी अपनों में करनी चाहिए कि गैरों में। तो आइए अवाम की राय लेते हैं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि शादी अपनों में करनी चाहिए या गैरों में? गैरों में। क्यों? वैसे ही नहीं, फिर भी कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है, क्या वजह है? सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, इसलिए मैं कह रही थी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनों में नहीं करना चाह रही? नहीं। क्यों? अपनों में कोई वजह बताएं ना मुझे कि अपने क्या अच्छे नहीं होते। नहीं, फैमिली इश्यूज होते हैं ना, इसलिए कह रही थी। कौन सा इश्यू है? नहीं वैसे ही, मतलब फैमिली में ही वो अच्छा नहीं। नहीं फिर भी फैमिली में क्यों कोई अच्छा नहीं लगता आपको? कोई वजह होगी, रीज़न तो होगा। आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा फैमिली में? नहीं तो जाहिर सी बात है अपने तो अच्छे होते हैं। नहीं इतने भी अच्छे नहीं होते अपने, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होते हैं, दूर दूर तक ही ना। क्योंकि कहावत है कि ढोल दूरों दूरों वाजते सोने लगते नहीं, वही सीन है। जी वही है। तो आप फिर गैरों में शादी करेंगे? जी। पक्की बात है? पक्की बात है। आपके घर वाले अगर देख रहे होंगे तो फिर आपको डांटेंगे, क्या करेंगे? घर वाले साथ ही हैं। साथ ही? मतलब कि आपके घर वाले भी जो हैं वो बहुत ही अक्के हुए ने? हाँ जी, वो मेरे से ज़्यादा अक्के हुए हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, आई एम अनमैरिड। अच्छा अनमैरिड। आप अपनों में शादी करेंगी या गैरों में करेंगी? मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं अपनों में शादी करूँ। क्यों, इसकी वजह? ये वो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि अपने मार के ना छाँव में फेंकते हैं और गैर मार के ना धूप पे। वैसे तो ना मुझे ये लगता है कि अपने जो है ना वो बहुत जलील करते हैं, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, गैर बहुत जलील करते, कोई डर होती है, अपने फिर भी थोड़ा डरते हैं। अच्छा सीरियसली? हाँ। आपके अपने मतलब कि बहुत अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छे। तो आपकी शादी किस में हो रही है, आपके फूफो के बेटे से, खाला के बेटे से, किसके हो रही है? मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी खाला के बेटे से हो। खाला के बेटे? फूफो के बेटे में क्या कमी है? फूफो के बेटे बस, फूफो मुझे अच्छी नहीं लगती रिश्ते में। फूफो अच्छी भी नहीं लगती? नहीं। ना करो यार, इतनी बुरी नहीं होती फूफो, मैं भी फूफो हूँ। अच्छी भी नहीं होती जितना आप कह रही हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मतलब कि फूफो के बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए? खाला के बेटे या मामू के बेटे से बस। अच्छा जी ठीक है, आपकी किससे हो रही है? मेरी खाला के बेटे से। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि शादी अपनों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए? मैं प्रेफर करती हूँ अपनों में करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपके बच्चों की अपनी रजामंदी ज़रूर शामिल होनी चाहिए, आपको फोर्सफुली नहीं करवाना चाहिए। हाँ अगर बच्चों को कोई पसंद है और आप समझते हैं कि आपके बच्चे उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बच्चों की पसंद से भी कर लें। लेकिन जो आजकल के हालात है, जो आजकल लोगों में धोखा फ्रॉड और झूठ चल रहा है, उसको देखते हुए मैं समझूंगी कि अपनों में करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। आपकी अपना में हुई? मेरी नहीं, मेरी जानने वालों में हुई है, लेकिन मेरी और मेरी फैमिली की पसंद से हुई है शादी। अच्छा, लेकिन पसंद से हुई, से हुई है। हाँ जी। मतलब कि आप बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हुई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैं बाहर से आई हूँ, मैं सबसे पहले अपने ससुराल में आई हूँ, मेरी मदर रावलपिंडी में होती हैं और मैं पहले यहाँ से रह के फिर वहाँ जाऊँगी। अच्छा जी, वेरी गुड, क्या बात है। आप रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस फैमिली में जाते हैं। स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मैंने उनमें जो चीज़ फील की है कि उनके अंदर एक तो बर्दाश्त नहीं है, दूसरा उनके अंदर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है कि वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट करे। रिश्तों को संभालना हर इंसान को चाहिए, कुछ रिश्ते हर बंदे को डील करने का डिफरेंट तरीका है, लेकिन प्यार मोहब्बत से आई थिंक हर रिश्ता डील हो सकता है, थोड़े से सैक्रिफाइसेस की जरूरत। मतलब कि अपना भी कर लेनी चाहिए शादी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे खुश हैं तो ज़रूर कर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप शादी अपनों में करेंगी या गैरों में करेंगी? अपनों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए, क्या सीन है? आउट ऑफ फैमिली। क्यों? अपनों में हैं पर अपनों में नहीं, आउट ऑफ फैमिली। अपने से ज़्यादा ना गैर होते हैं। अगर अपनी मर्जी वाइड हो तो। अच्छा, तो अपनों में क्या खराबी होती है भाई?
अपने जब कोई तंज करते हैं, कोई ऐसा कोई अपनों से कोई दुख वगैरह मिलता ना, इतना बहुत दुख होता है जब अपने किसी बाहर से मिलता ना, इतना दुख है जितना अपने से दुख होता है। मतलब कि आपकी राय है कि अपने जो हैं वो अच्छे नहीं होते? अपने अच्छे होते हैं, अपने इतने भी अच्छे नहीं होते। अपने अच्छे होते अपने इतने भी अच्छे नहीं होते। मतलब कि आपकी ये राय है कि आप अपनों में शादी नहीं करेंगी? आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं हुई। तो आप 11 में करेंगी? तो आपके जो घर वाले हैं अपने हैं वो देख रहे होंगे वीडियो, तो फिर वो क्या करेंगे आपको बताएं? उनको पता, उनको मैंने कहा कि फैमिली के अलावा ना जहाँ मर्जी ढूंढे मैं कर लूंगी। अच्छा, मतलब कि आपका पक्का फैसला है, अटल फैसला है कि आपने अपनों में शादी नहीं करनी? क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स है ना 4, उनकी भी आउट ऑफ फैमिली हुई है, तो मैं भी ये कहती हूँ कि मेरे भी आउट ऑफ फैमिली हो। अच्छा मैम, ये मुझे बताएं कि शादी अपनों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए? जहाँ पेरेंट्स गए। पेरेंट्स गए, मतलब कि आपको अपनों में करनी है या गैरों में करनी है? आपका कोई इसके बारे में रिएक्शन नहीं होगा कि जहाँ पे पेरेंट्स गए आपने कर लेनी है? ऑब्वियसली पेरेंट्स जहाँ पे भी करेंगे पूछ के करेंगे, तो अब आपके कंसेंट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। फिर भी आपको क्या लगता है कि अपनों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो मतलब डिपेंड करता है, कुछ अपने अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ गैर अच्छे होते हैं, अपनों से बेहतर गैर होते हैं। तो आप अपनों में करना चाहेंगी या गैरों में? जहाँ मामा कहेंगे। देखिए, अगर तो बच्चे आपके अपनों में अच्छे हैं तो आप अपनों में कर लें, नहीं है तो फिर बाहर देख लें। तो मतलब आप अपने बच्चों की शादी अपनों में करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर तो कोई मेरे अपनों में बहुत अच्छा हुआ हर तरीके से, हर लिहाज से, तो मैं ज़रूर अपनों में करूँगी। अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो फिर मैं नहीं करूँगी। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं कि शादी अपनों में करनी चाहिए या गैरों में? गैरों में। क्यों भाई? अपनों में बहुत फसाद डल जाते हैं ना। अच्छा, किस बात के? रिश्तेदारों में बहन बहन से लड़ाई हो गई, भाई भाई से लड़ाई हो गई, भुगता लड़की को पड़ता है, बेचारी पे जुल्म होते हैं, फिर लड़ाइयाँ फैमिलीज में होती हैं। इसलिए मतलब कि आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं। तो आप अपनों में करेंगी या गैरों में? गैरों में। ओ माय गॉड, अपनों में क्या खराबी है यार? अपनी लड़ाइयाँ बहुत डालते हैं। अच्छा, इस वजह से? बिल्कुल। तो फिर अगर गैर भी लड़ाइयाँ डालेंगे तो फिर? गैरों की तो खैर है ना, अपनों में फिर फैमिलीज में भी लड़ाइयाँ डल जाती हैं ना। गैरों की खैर है, अपनों की खैर नहीं है। अपना सुन लो, तुम बोल रहे, तुम्हारी खैर नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है। तो कब शादी कर रही हैं आप? अभी तो स्टडी जा रही है, देखें 4-5 सालों में देखेंगे। 4-5 सालों में आप शादी करेंगी? तब तक मेरे ख्याल से आपका माइंड सेट हो जाएगा अपनों में, तो फिर? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं सेट होने वाला, पक्का इरादा है मेरा। मतलब कि 100%, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पत्थर पे लकीर, पत्थर तली की ला देती कि भी अपने यहाँ जो ब्याह कभी नहीं करना। नहीं करना। तो जी नाज़रीन, आपको ये हमारा शो कैसा लगा है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, न्यूज़ ऑन को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अपनी होस्ट अक्सर आई को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।